पेश है हिंदी जबान में अपडेट। कश्मीरियों के लिए निरंतर चल रहे भारतीय दमन तथा अधिकरण के अंतर्गत ईद मनाने का कोई कारण नहीं है। कश्मीरी पार्श्विक भारतीय अधिकरण के अंतर्गत एक और ईद उल फितर मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर का निरंतर अवैध अधिकरण केवल कश्मीरियों की यातनाओं में वृद्धि कर रहा है, जिसमें 5 अगस्त 2019 के पश्चात से कई गुना वृद्धि हो गई है। कश्मीरी गत 7 दशकों से अधिक समय से तोपों की छाया में ईदें मनाते आए हैं। कश्मीरी किस प्रकार ईद मना सकते हैं जब हत्याएं, गिरफ्तारियां, टॉर्चर तथा हिंसक कासो भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की दिनचर्या का भाग बन चुका है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अधिकरण बलों की उपस्थिति में ईद उल फितर के दिन भी जीवन घुट रहा है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर के दिन भी भारतीय दमन में कोई कमी नहीं आई है। ईद उल फितर का दिन कश्मीरियों के लिए यह संदेश लेकर आया है कि उनका संघर्ष भारतीय चंगुल से मुक्ति तक चालू रहेगा। कश्मीरियों की यथार्थ ईद उस समय होगी जब भारतीय दास्ता की जंजीरें टूट जाएंगी। कश्मीरी संसार को अपने शूरवीरतापूर्ण संघर्ष से यह बता रहे हैं कि उनके लिए भारतीय चंगुल से मुक्ति तक कोई ईद नहीं है।